Please give an energetic and warm welcome to the one and only RJ Karthik. Please, right here. मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले थोड़ा प्लीज प्लीज हाँ।, हाँ तो दोस्तों राजस्थान में एक झालावाड़ जिला है उसमें भवानी मंडी नाम का एक छोटा सा कस्बा है वो जो टाउन है सर बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है टिकट जो देने वाले हैं वो एमपी में बैठते हैं टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है सो तो वो डिवाइडेड इंटू टू स्टेट्स तो मुझे लगता है चेतन भगत जी को वहीं से आइडिया आया था टू स्टेट्स का अच्छा तो प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा कमाल का किस्सा है वो भवानी मंडी एक ऐसा कस्बा है जहाँ से मैंने अठारह उन्नीस साल में वहीं पला बढ़ा और वहाँ से मैंने बड़े बड़े सपने देखना शुरू किया कि लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करना है फिर मैं जयपुर में पढ़ने के लिए आया हुआ था और वहाँ मैंने आर जे सिड को सुना और उनको सुन के मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ मुझे भी इसके लिए ट्राई करना चाहिए तो मैं अब तक बड़ी बड़ी पर्सनलिटी से मिला हूँ काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे बारह साल हो गए लेकिन मुझे आज भी वो मुलाकात जो मैंने आर जे सिड से की थी जो आर जे सिद्धू नाम से मुंबई में शो करते हैं वो आज भी मुझे याद आती है कि उनसे हाथ मिलाना और वो बात करना और वो जो पंद्रह बीस मिनट का इंटरेक्शन था सो so, मेरी मेरी लाइफ का वो मेमोरेबल मोमेंट था जिसने लाइफ चेंज कर दी थी फिर मैंने आरजे के लिए ट्राई करना शुरू किया आ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आरजे कैसे बन सकते हैं क्या कर सकते हैं मुझे लगता है कि सर लाइफ में सिर्फ आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिला सकता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है सो so, मैंने आ, दो तकरीबन मेरे पुराने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग्स हैं आर जितने हुआ करते थे सारे आ, चैनल्स के आर को सुना और एक एक लव्य वाली कहानी है क्योंकि मैं छोटे कस्बे से आता तो आपको मालूम है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें प्रोनंसिएशन की बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी और एक अच्छा आरजे होने के लिए आपका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए तो मैंने डायरी में वर्ड्स को लिख लिख के लिख लिख के प्रैक्टिस किया सिमिलर वर्ड्स को और फिर जैसे तैसे मैं तैयार हुआ उस वक्त जो लोग कहते थे मुझसे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता तू रेडियो के लिए नहीं बना वो लोग आज कॉल करके कहते हैं कि मेरी मौसी का लड़का यार एक बार वीडियो कॉल पर बात कर लो तो, तो मुझे लगता है कि लाइफ में सक्सेस आपको खुद पानी होती है खुद उसके लिए प्रयास करना होता है बाकी दुनिया तो आपको गिराने के लिए आपको पीछे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि तू कर सकता है तो आ जाओ उनमें से एक सर है उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच मैं झूठ नहीं बोलूंगा बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था अभी तकरीबन पाँच मिनट में था वहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप आप मैं विजुलाइज कर पा रहा था कि आप किस पोस्टर से किस तरीके से बात हो रही होगी तो मैं इतना आपकी आवाज़ से फैमिली गया तो मुझे लगता है एक चीज़ मैं इस पर कहना चाहता हूँ सर अगर आप इजाज़त प्लीज प्लीज किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं लेकिन अगर बात अच्छी हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं है नहीं ये है सर थैंक यू सो मच जी क्या जी आप अपना क्यू एन ए सेशन शुरू करते हैं सर मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है बहुत फैमिली सॉर्टेड है और अपना करियर भी मैंने छोटी एज में तीन चार अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं और उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ बट इसके बाद भी कभी कभी वॉयड हो, जा हो जाती है क्रिएट हो जाती है एक ऑटोमेटिक वॉयड मन नहीं करता किसी से भी बात करने का चुप रहने का अकेले रहने का मन करता है तो ऐसा क्यों है लाइफ में यही कोई कोई तो बोलने वाला था कि ये <laughs> बहुत बड़ी दिक्कत है, सब 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 चल चल है।, है जब सब कुछ परफेक्ट है तो बचा क्या लाइफ में करने के लिए मतलब आप समझ लो अभी मैं इसको थोड़ा बिल्ड करूंगा इससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुख की रात नींद नहीं आती और सुख की रात कौन से होता है तो ना तो दुख की रात नींद आती है और ना सुख की रात नींद आती है सुख हो जाता है कि अरे यार अब तो क्या ही कर दिया नींद ही नहीं आती सच हुआ होगा आपके साथ नींद कब आती है जब ना तो सुख है ना दुख है बीच में कहीं चल रहे हैं सो इट्स ऑल अबाउट टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि खालीपन है तो उस खालीपन को महसूस कीजिए अपने आप से बात कीजिए घूमने चले जाइए मोबाइल को हटा दीजिए कब तक उसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे आप क्या मिल रहा है उसमें कई बार आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा है कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा फिर भी आप ग्यारह सत्रह हो गए ग्यारह अट्ठारह हो गए ग्यारह बीस हो गए ये क्या है और इज दिस हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा अदरवाइज हम हम उसके कंट्रोल में आ रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा अब हम देख रहे हैं ज़बरदस्ती किसी ने आपको हलो नहीं लिखा किसी ने आपको लाइक नहीं किया फ़ोटो पे कुछ नहीं हो रहा है आपने कोई पोस्ट भी नहीं डाली है दस दिन से सब कुछ खाली फिर भी आप देख रहे हो होता है ना सर तो हमें उससे समय निकाल के अपने लिए समय निकालना जी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा समय आ गया कि अब अब बिल्कुल खाली है तो अपनी आत्मा से बात कीजिए मुझे लगता है कि आप आप अपने आप के बहुत करीब जाएंगे वो ऐसा समय है जब आपको वो जो ऊपर वाला अपने पास बुला रहा है कि कुछ समय मेरे लिए भी निकाल सब कुछ तो तुझे दे दिया है आप कह रहे हैं ना आपको सब कुछ मिल गया है सब सॉर्टेड तो फिर उनके लिए कुछ हो जाए ऐसा मुझे लगता है लाइफ में जब हमको वो मिल जाता है ना जो हमको चाहिए होता है उसके बाद में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब करें क्या खाली हो गए देखो जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके पास में तो एक ही गोल है ना और गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये अचीव करना है जब तक ये एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ एंट्रेंस क्रैक करना है उसके बाद में ये जॉब चाहिए उसके बाद में ये करना है वो करना है वॉट जब ये सब हो जाता है और आप जैसे खुद कह रहे हो कि लाइफ सेट हो गई है ये बहुत ही एक मैं क्या कहूँ एक बोरिंग स्टेट होती है जहाँ पर जा करके एक वर्ड फील होता है अंदर से तो फिर उसमें क्या होता है कि लोग एस्केप करते हैं उस वर्ड से एस्केप करने के क्या तरीके हैं वही जो इन्होंने कहा कि या तो मोबाइल पे टाइम पास करते रहो या थोड़ा सा दो चार लगा, लगा लो लवली लवली हाँ दोस्तों के साथ में जा करके बैठ जाओ उल्टी सीधी बातें करते रहो इधर उधर की या कुछ भी किसी भी तरीके से टाइम पास करो एक तो ये होता है जिसको हम टाइम पास कह रहे हैं एक्चुअली हम टाइम को किल कर रहे हैं वो टाइम जो एक दिन हमें किल करने वाला है ऐसे में आपको अपने आप से पूछना है वॉट नेक्स्ट लाइफ ईट स्लीप रिपीट वाले मोड में चली जाती है जैसे बिल्कुल ऐसा है एक मूवी आपने देख ली बहुत अच्छी लगी पहली बार में फिर दोबारा देखी क्योंकि बहुत अच्छी मूवी थी दोबारा देखी तिबारा देखी फिर चार बार देखी अब आप कह रहे हो मैंने मूवी को वही बार 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 लूप में देख रहा हूं और एक साल से देखता चला जा रहा हूं डेली अब थोड़ी बोरिंग हो गई है तो बोरिंग होगी ना ये जो बॉइड है कि आप अंदर से कुछ और करना चाहते हो अपनी लाइफ में लेकिन जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसकी आदत हो चुकी है उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते तो एक तरफ से आप बाहर निकलना भी चाहते हो लेकिन निकलने के लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा वो हम नहीं करना चाहते इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं कि मतलब अब आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है लाइफ में ना दो चीजें होती है एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं जरूरतें होती है जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो आप कुछ बचा ही नहीं लाइफ में अब जैसे इन्होंने कहा अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना अगला गोल क्या है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो अगर नहीं है तो हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड अरे नहीं बोरिंग है प्रॉब्लम क्रिएट करो अपने लिए कोई ना कोई चैलेंज क्रिएट करो जैसे आप सोचो मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है अगर वैसे आप देखो तो आपको वैसे पता नहीं है लेकिन <laughs> हाँ मतलब वैसे बहुत कंफर्टेबल है एज फार एज माई बिजनेस इज कंसर्ड लेकिन तब भी ये सब कर रहा हूं ना क्यों कर रहा हूं क्या जरूरत है लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या जरूरत है आपको एक्चुअली जो लाइफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है मतलब एक्सप्लोरेशन के इस डेप पर जाना है कि हर चीज आपको एक्सप्लोर करनी होती है अभी फॉर एग्जाम्पल ये सेशन से भी आप कुछ सीख रहे हो सर से भी कुछ सीख रहे हो पब्लिक से कुछ सीख रहे हो तो आपको एक्सप्लोरेशन आपका मेन ये है मतलब मोटिव है लाइफ का तो वो वो उसका तो कोई एंड ही नहीं है ना सर एक्सप्लोरेशन तो आप फिर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को एक्सप्लोरेशन कर सकते हो थॉट को एक्सप्लोरेशन कर सकते हो तो ये आपका पर्पस है एब्सोल्युटली राइट right. हाँ एक्सप्लोर करने में नई नई चीज़ों को नई नई जगहों को नई नई चीज़ों, चीज़ों को मज़ा आता है ना मानो यूनिवर्स है उसको आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है मजा आएगा या नहीं आएगा yes, या एक कंफर्टेबल सी लाइफ आपको दे दी जाए जहां पे आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल गया एक टीवी मिल गया मोबाइल मिल गया एक गाड़ी मिल गई घर मिल गया और वहां पर आप बैठे हो और अपना वही रूटीन चलता चला जा रहा है उसमें मजा आएगा या एक्सप्लोर कर रहे हो पूरी दुनिया को पूरे यूनिवर्स को दैट इज ऑप्शन नंबर वन एक और ऑप्शन है वो क्या है आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो क्योंकि दुनिया को एक्सप्लोर करने में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा आप यहां जाओगे वहां जाओगे और दुनिया इतनी बड़ी है कि आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी दूसरा भी एक तरीका है वो क्या है आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो right. खुद में कितना कुछ है हमारी जो बॉडी है माइंड है जो भी फैकल्टीज है ऑफ एक्सप्रेसिंग आसेस इन डिफरेंट वेज उसकी क्या लिमिट है और अगर आप उसको एक्सप्लोर करने लग जाओ तो आप कहां तक जा सकते हो मतलब आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज है ये बॉडी को देखो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जैसे गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है ना तो गाड़ी की एक लिमिट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो गाड़ी की तो फिर भी एक लिमिट है वहां पर दिख जाती है स्पीडोमीटर में दिख जाती है कि यह लिमिट है मैक्सिमम लिमिट है हमारी लिमिट क्या है इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट क्या है बॉडी की लिमिट क्या 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 है क्या है माइंड की की इंटेलेक्ट है लिमिटलेस लिमिटलेस ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है एक्चुअल में लिमिटलेस है और अगर आप अभी एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ गए ना कभी एक्चुअल में अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी नॉट हाउ टू बी स्पिरिचुअल हम ज्यादातर हाउ टू में जाकर के अटक जाते हैं फिर कोई हमको मेथड दे देता है फॉर्मूला देता है टेक्निक दे देता है उसको हम फॉलो करते हैं पैटर्न में घूम जाते हैं नहीं इज स्पिरिचुअलिटी इतने स्क्रिप्चर्स लिखे हैं तो कुछ तो वहां पर सच होगा ना लेट मी फाइंड आउट और सच दो तरीके का होता है एक दुनिया के बारे में एक खुद के बारे में जब खुद की जो डायमेंशन है अलग अलग माइंड की बॉडी की और उसके बियॉन्ड भी कुछ है उस सब की उसको जब आप एक्सप्लोर करते हो और फिर उस लेवल से किसी के साथ में कुछ शेयर करते हो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ सर मेरा क्वेश्चन ये है लाइक व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ पार्थ पॉइंट्स कि आपको फीडबैक मिलता है नेगेटिव फीडबैक होता है या सीनियर ने कुछ बोल दिया इन जॉब देन यू फील डाउन एंड लोग ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़े होते हैं जिनको इस बात से ही चिंता है कि ये वहां कैसे पहुंच गया संदीप सर से कैसे मिल लिया भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी है वो अपने शिष्य आनंद जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे उनके साथ में एक बार जा रहे थे सुनाता हूँ सर अगर आप प्लीज प्लीज मजा आ रहा है please, please, <laughs> <को मगा> <laughs> हाँ। तो भगवान गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ में जा रहे थे और एक गांव में एक गांव से गांव दूसरे गांव जाते रहते थे रोज उनका रूटीन था प्रवचन करते थे तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में काफी देर से चल रहे थे आनंद थक चुके थे उन्हें लग रहा था अब रुक जाना चाहिए ये चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं जैसे मान लीजिए मेरे बॉस हैं ये गुरु हैं तो चलाए जा रहे हैं मैं आनंद हूँ मुझे लग रहा है कि क्या हो रहा है तो एक व्यक्ति मिले खेत में काम कर रहे थे किसान थे तो उनसे पूछा कि वो गाँव कितनी दूर है उन्होंने कहा बस आने वाला है दो मील दूर तो उन्होंने कहा ठीक चलने लगे चलने लगे वह आ ही नहीं रहा था आनंद को भी लग रहा था कि दो मील तो निकल गए आराम से जितना कैलकुलेट कर पा रहा हूँ फिर एक महिला दिखी जो लकड़ी उठा करके जा रही थी तो उनसे पूछा कि माता जी गाँव कितना दूर है उन्होंने कहा अरे बेटा बस पहुँच गए आने ही वाला है फिर चलने लगे आनंद को लग रहा था गुरु कह रहे हैं तो चलना ही है फिर तीसरे सज्जन मिले जब जब उनको कोई कोई मिल रहा था तो भगवान गौतम बुद्ध उसको देख के मुस्कुरा रहे थे और वो भी उनको देख के मुस्कुरा रहा था तीसरे वाले मिले तो उन्होंने भी कहा बस आने ही वाला है आप पहुंच गए हो अब की बार आनंद का दिमाग ख़राब हो गया उन्होंने झोला उठा के नीचे पटका बोले गुरु बहुत हो गया और ये क्या चल रहा है कि आप मतलब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन आप बार बार हंस रहे हो बोले आनंद वो गाँव दूर है वो बीस मील दूर है लेकिन ये जो तीन लोग मिले इन्होंने हमें छः मील तक तो पहुँचा दिया इन तीनों का शुक्रिया कि इन्होंने हमें कहा इनका धन्यवाद कि आने वाला है आने वाला है आने वाला है इसी चक्कर में हम छः मील चलाए तुम्हें तो पता भी नहीं चला सो so लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपको इस तरीके से आगे खींच रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे लोग ज्यादा है जो टांग खींच रहे हैं मुझे लगता है किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की टांग खींचने के बजाय उनका हाथ खींचना चाहिए ताकि हम उन्हें आगे बढ़ा पाए तो ऐसे लोगों के संपर्क में बहुत बढ़िया और जो आपके पीछे पड़े हुए हैं जिनको इस बात से दिक्कत है कि इसको जॉब कैसे मिल गई या इसको कैसे तो भी इसका माइंड ख़राब करना है ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं मानो या ना मानो बहुत सारे लोग हैं तू क्यों चला गया वहाँ सेशन में क्या मिल गया तुझे ऐसे दोस्त आपके भी होंगे ना आप बताओगे अभी शाम को कि संदीप सर से मिला था कार्तिक का आए थे क्या चला गया क्या कर लिया तूने राइट ऐसे लोगों के लिए सर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना और बाद में नमक लगा के खाते हैं बहुत बढ़िया कैसे देख होते हैं तो आप ज़्यादा चक्कर में मत रहिए आप बहुत अच्छा कर रही हैं आप जैसा सर ने बताया कि ये जो हमारी शरीर की जो यात्रा ये अनंत है हम कहीं भी पहुंच सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो आप उनका लोड मत लीजिए आप ये सोचिए कि मैं अच्छी हूँ अच्छा करूँगी जहाँ आपको लगता है कि सही बात बोली है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि या मेरे फायदे के जहाँ आपको लगता है कि जबरदस्ती बोली गई है तो उसको अवॉइड कर दीजिए इग्नोर का बटन बहुत आसान होता है उसको दबाते चलिए अच्छा रहेगा बाकी सर ऐड करें मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगा एक पॉइंट तक आप उनको इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि वो आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं बट वंस इट गेट्स पर्सनल दोनों में बड़ा फर्क होता है एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड बट एट टाइम यू फील दैट इफ देखीटिंग रिप्लाइंग बैक टू कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो आपका दुश्मन हो सकता है वो आपका दोस्त है इनफैक्ट दोस्त ही क्रिटिसाइज करते हैं जो अपने होते हैं वही तो आपको बताएंगे ना अब आप गलत ट्रैक पे हो या आप सही नहीं कर रहे हो आप गलत कर रहे हो जैसे कस्टमर्स है वो क्रिटिसाइज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को सर्विसेज को वो बोलते हैं नहीं इसमें ये खराब है वो खराब है तो वो कोई दुश्मन थोड़ी ना हो गए लेकिन अगर कोई आपकी सेल्फ स्टीम को सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है देआर यू हैव टू टेक अ स्टैंड मेरी एक लाइन है जो मैंने अपने कई सेशन में अलग अलग बार बोली है अलग अलग तरीके से आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं उस चीज को आपको लाइफ में पावरफुल बनना है इसलिए नहीं कि आपको पावरफुल बन करके किसी का टॉर्चर करना है या किसी को दबाना है आपको पावरफुल बनना है ताकि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके क्या बात एक एक बार के लिए अगर आप बैठ जाएं तो, you, तो सो उसके बाद हम हाँ। आउट करते ना हाँ। एक सेकंड जब जब मैं लोग बोलूंगा आपको है ना बोलना है ठीक है जी क्या बोलना है है ना है अगर कदम रखना है तो आगे रख क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग yeah. तो कुछ कमाल करके तो दिखा क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग yeah. oh,